का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छे कार्यक्रम आप लोगों ने प्रस्तुत किए। पिछली बार जो हमारे साथ गायक मौजूद थे एक और प्रोग्राम में, हम लोगों ने उनको बुलाया था लेकिन माइक उनको कम दिया था, माइक हमारे पास ही रह गया था न्यू ईयर वाले फंक्शन पर। तो आज हम लोगों को उनको भी सुनने का मौका लगा, उनको भी मैं बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद कहता हूँ। आज यहाँ पर हम सभी लोग एक परिवार की तरह इकट्ठा हैं और अभी सत्येन ने एक गाना भी सुनाया था जिसमें मालिक के ऊपर बिजली गिरने की बात उन्होंने कही, लेकिन उस गाना गाने वाली महिला को ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर जो है वो मालिक जो है वो भले ही वो वहाँ पर है लेकिन उसके अलावा जो बाकी और परिवार के सदस्य उनको सबको इकट्ठा किए हुए हैं। तो बता देना कि भाई ये वो वाले मालिक नहीं, इनके ऊपर बिजली ना गए। भले ही हम लोगों के अपने परिवार, क्योंकि हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके परिवार यहाँ पर नहीं है, भले ही हम लोगों के परिवार यहाँ पर ना हो, लेकिन आज जितना बड़ा आपका परिवार वहाँ पर होता मुझे लगता है उससे बड़ा परिवार यहाँ पर होता। और इसीलिए जब हम कोई भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो हम किसी को आमंत्रित करते हैं तो पुलिस परिवार की तरफ से करते हैं, क्योंकि ये जो पूरा जनपद है, ये पूरी पुलिस लाइन, पूरे सभी जितने भी थाने, जितने भी पुलिसकर्मी, ये सब एक परिवार है। और कहाँ आप लोग छोटे छोटे परिवार में होली खेलते हैं, इसलिए आपको छुट्टी नहीं मिलती है, बड़े परिवार के साथ होली खेलने का मौका मिलता है। मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा। मैडम यहाँ पर मौजूद हैं, हालांकि ये लाइट इतनी देर है कि मुझे देखने की है कहाँ। पेज के आरक्षी जो भर्ती हुए थे उनकी ट्रेनिंग चल रही थी पुलिस लाइन में, लगभग 500 के आसपास उनकी संख्या थी। होलिका दहन वाले दिन हम लोगों ने जब होलिका दहन वगैरह हो गया और उन्होंने बड़े मन से एकदम ढोल मंजीरा बजा के भजन भजन कीर्तन और एकदम उन्होंने कहा आज एकदम कप्तान साहब को खुश कर देना है और बहुत बढ़िया होलिका दहन का कार्यक्रम हुआ, थैंक यू। उसके बाद जब होलिका दहन का कार्यक्रम हो गया, सब कुछ हो गया, तो लड़कों ने बड़ी आशा भरी नज़रों से कप्तान साहब की ओर देखा और धीरे से एक सिफारिश, एक गुजारिश, एक अर्जी जो है लगाई कि साहब कल होली है और हम लोग अपने अपने घरों से दूर हैं, अगर अभी तो वैसे भी हम ट्रेनिंग में हैं, कल हमारी कोई ड्यूटी तो है नहीं साहब, अगर हमें छुट्टी मिल जाती तो हम लोग अपने अपने परिवार के साथ होली खेल लेते। उनको हमने केवल एक ही चीज़ कही, हमने कहा नहीं, छुट्टी तुम्हें नहीं मिलेगी, होली कल खेल लेना, उसके बाद परसों आके मुझसे बात करना। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो होली उन्होंने वहाँ खेली उसके बाद वो सारे लोग अलग से मिल के धन्यवाद ज्ञापित करने के आए कि सर अच्छा हुआ आपने हमें छुट्टी नहीं दी। कारण क्योंकि पिछले 20 साल से, 21 साल से, 22 साल से तो वो अपने अपने परिवार के साथ होली खेल ही रहे थे। उनका कहना था सर कि ये होली हमें जीवन भर याद रहेगी क्योंकि आज तक हम लोगों ने केवल अपने एक छोटे से परिवार और छोटे से गांव के साथ होली खेली है, एक मोहल्ले में होली खेली है। आज पहली बार हम लोगों को लगा कि हमारा परिवार कितना बड़ा है, जब 500 लड़के एक साथ, और निसंदेह उसमें इंतजाम बहुत किए गए थे क्योंकि 500 लड़के हों वो भी नई उम्र के और होली के रंगों का पूरा इंतज़ाम हो और डीजे का भी इंतज़ाम हो, तो जाहिर सी बात है एहतियात तो बरतने पड़ेंगे। जैसे अभी इस बार आरई साहब ने कल सुबह की होली में भी भरते थे तो बाकायदा कुछ लोगों की ड्यूटी व्यूटी लगाई गई थी, पहले ब्रीफिंग की गई थी, लेकिन यकीन मानिए उसके बाद उन लोगों ने मतलब उस चीज़ को इतना अप्रिशिएट किया, उनको लगा सर ये होली तो हम कभी दोबारा खेल ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो पूरा ट्रेनिंग का हमारा बैच है इसके बाद सब लोग अपने अपने ड्यूटीज पर जाएंगे। तो इस आयोजन का उद्देश्य केवल इतना है कि आप लोगों को ये एहसास दिलाना कि अगर हम अपने घरों से दूर हैं तो ये ना सोचें कि हम अपने परिवार से केवल दूर हैं, लेकिन जो ये इतना बड़ा परिवार आपको मिला है इसका सानिध्य आपको महसूस हो। इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य था मुझे लगता है कि शायद हम लोग उसमें सफल हुए।